तो दोस्तों, पहली बार भारतीय बाजार में लॉन्च हो रही है आप सभी के लिए अब तक की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार, तो चलिए जानते हैं। तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंच की कार निर्माता कंपनी सीट्रॉन अपनी न्यू इलेक्ट्रिक कार AMI को भारत में अब लॉन्च कर रही है। इस कार की खास बात यह है कि ये सिर्फ 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। साथ ही साथ ये एक बजट वाली कार होने वाली है जिसे आप सरलता से अफोर्ड कर पाएंगे। वहीं यदि कार की बैटरी की बात करें तो इस कार के अंदर आपको 5.5 kWh की बैटरी उपलब्ध मार्केट में करवाई जाएगी, जो कि 6 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर को सपोर्ट करती है, जिससे ये कार लंबा सफर करने में आप सभी के लिए काफी लाभदायक होने वाली है। दोस्तों, बैटरी की बात करें तो आपको बता दें कि इस कार की बैटरी को सामान्य चार्जर से केवल 3 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। और साथ ही साथ इस कार को सबसे खास बात ये बनाती है कि इस कार को आप अपने घर के सॉकेट से भी चार्ज कर सकते हैं। वहीं यदि इस न्यू इलेक्ट्रिक कार की टॉप स्पीड की बात करें तो भारतीय बाजार में ये इलेक्ट्रिक कार करीबन आपको 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ पाने में सक्षम रखती है। और दोस्तों, इस कार की खास बात ये भी होने वाली है कि ये कार 45 किमी प्रति घंटे की कम गति से कारण आपको इस कार को चलाने के लिए कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इस कार के साथ ये सबसे बड़ी खूबी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, हालांकि इसकी गति आपको शहरी रोड पर तो काफ़ी अच्छी लगेगी, किंतु हाईवे पर आपको इसकी रफ्तार थोड़ी कम लग सकती है। ये कार 70 किमी का रफ्तार तय कर पाने में भारत में क्षमता रखेगी। साथ ही एमी इलेक्ट्रिक कार में अधिक सीटिंग ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है, यानी भारत में इस कार में करीबन 5 लोग बैठ के आसानी से सफ़र कर पाएंगे, तथा इसमें 4 लोग बैठने वाला वेरिएंट भी भारत में उतारा जाएगा। ये स्पेस के साथ भी मार्केट में आएगी, यानी इस कार पे आप अपने सामान को लोड करके भी यात्रा कर सकते हैं। वहीं एमी के दाम की बात करें तो भारतीय बाजार में इस कार की केवल 6000 यूनिट को ही तैयार किया गया है, जिस पे अभी तक 22 लाख रुपए की राशि को लगाया जा चुका है। जानकारी के अनुसार इस कार को लेकर कस्टमर जबरदस्त इंटरेस्ट पहले से ही दिखाते आ रहे हैं। साथ ही इस कार को भारत में अब लॉन्च किया जा रहा है, जो कि हम सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। एमी को सबसे खास बात दोस्तों इसका प्राइस बनाती है, क्योंकि भारतीय बाजार में ये सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में से एक शुमार होने वाली है, जो कि केवल 2 लाख रुपए की कीमत में आप सभी को मार्केट में देखने को मिलेगी। दोस्तों, इंटीरियर तथा फीचर्स की बात करें तो भारतीय बाजार में एमी इलेक्ट्रिक कार को 5.6 इंच के छोटे टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ कंपनी ने लैस किया है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड ऑटो तथा एप्पल कारप्ले और नेविगेशन को सपोर्ट करता है। सेफ्टी फीचर्स के मामले में इस कार के अंदर आपको एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर, ABS, ABD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे फीचर्स को अपडेट किया गया है। भारतीय बाजार में इस कार की प्री बुकिंग हम सभी के लिए कर दी है, यानी इस कार को अब आप घर बैठे अपने लिए बुक भी कर सकते हैं। भारत में ये कार लॉन्चिंग की बात करें तो दिसंबर तक यानी 26 तारीख तक लॉन्च की जा सकती है। तो दोस्तों, भारतीय बाजार में महिंद्रा स्कॉर्पियो अपने सेगमेंट की पॉपुलर SUV में से एक मानी जाती है। बोल्ड और माइक्रेस लुक के चलते ये SUV खूब पसंद भी भारत में की जाती है। अब कंपनी स्कॉर्पियो के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल यानी Z101 कोड नेम वाले इस नई स्कॉर्पियो को कई बार टेस्टिंग के दौरान भारत में देखा जा चुका है, और इस कार को फाइनली भारत में 2021 जनवरी में लॉन्च करने की तैयारी कंपनी ने बना ली है। टेस्टिंग के दौरान लीक हुई तस्वीरों से नई जनरेशन स्कॉर्पियो के काफी डिटेल सामने आ चुकी है, जो कि आप इस समय इस वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। दोस्तों, नई स्कॉर्पियो यानी नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो 3rd जनरेशन मॉडल में मौजूदा मॉडल के मुकाबले काफ़ी अन्य एडवांस फीचर्स आपको भारत में देखने को मिलने वाले हैं। यहां हम आपको नई महिंद्रा स्कॉर्पियो नेक्स्ट जनरेशन के बारे में डिटेल से लेकर सारी स्पेसिफिकेशन की जानकारी देने वाले हैं, साथ ही साथ कीमत का भी खुलासा करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान तक अंत तक देखिएगा। दोस्तों, नई स्कॉर्पियो को नए प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसका साइज मौजूदा मॉडल के मुकाबले अब आपको बड़ा मार्केट में देखने को मिलेगा। इसके चलते नई स्कॉर्पियो के अंदर मौजूदा मॉडल से ज़्यादा जगह आपको देखने को मिलेगी, और SUV में आपको इंटीरियर में बेहतरीन क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल इस स्कॉर्पियो में किया गया है। नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो साथ ही इसमें कई नई फीचर्स को कंपनी ने ऐड किया है। नई स्कॉर्पियो में आपको XUV 300 तथा 200 की तरह ही डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल
और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑप्शन भी मिलने वाले हैं। इसके अलावा मौजूदा मॉडल में तीसरी लाइनअप में साइड फेसिंग सीट है, जबकि नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो में तीसरी लाइनअप में भी आपको फ्री फ्रंट फेसिंग सीट ऑप्शन देखने को मिलेगा। भारतीय बाजार में स्कॉर्पियो को 8 सीटर ऑप्शन के साथ भी साथ ही साथ उतारा जाना है। लुक की बात करी तो नई यानी नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो की ओवरऑल डिजाइन मौजूदा मॉडल की तरह ही बोल्ड तथा मस्कुलस आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ इसकी ग्रिल को भी चेंज कर दिया गया है, लेकिन ये ज्यादा बदलावों के साथ भारत में नहीं आएगी। नए मॉडल का फ्रंट लुक कंपनी की प्रीमियम एसयूवी ऑल्ट्रोस से लिया गया है। नई स्कॉर्पियो में आपको स्वैप हेडलैम्प्स और नया फ्रंट बम्पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि इसको बाहर से और भी ज़्यादा स्टाइलिश बना देता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक लुक देने के लिए एसयूवी पर कई क्रोम फिनिशिंग का कंपनी ने इस्तेमाल किया है। नई स्कॉर्पियो में आपको लंबे दरवाजे और कार जैसी विंडशीट ऑप्शन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस कार में अब आपको पहले के मुकाबले बड़े यानी 18 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील ऑप्शन का प्रयोग कंपनी ने किया है, जो कि इस कार को काफ़ी खूबसूरत बनाते हैं। मिलेगा ज़्यादा पावरफुल इंजन, तो नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो के इंजन में भी आप सभी को बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। स्कॉर्पियो के मौजूदा मॉडल में अभी तक दोस्तों आप सभी को 2.2 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन ही देखने को मिलता था। नई स्कॉर्पियो नानी नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो BS6 कंप्लीट 2.0 लीटर के पेट्रोल टर्बोचार्ज यूनिट ऑप्शन के साथ मार्केट में लाई जाएगी, जो कि करीबन आपको 180 PSP की पावर तथा 5000 RPM पे आपको 400 NM का पिकअप टॉर्क जनरेट करके देगी। भारतीय बाजार में इस कार के माइलेज की बात करें तो करीबन कंपनी का दावा है कि ये कार आपको 30.1 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज प्रदान कर पाने में सक्षम रखेगी, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। मिलेंगे ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स, तो मौजूदा मॉडल की तुलना में न्यू जनरेशन यानी नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स से लैस की गई है। इस पे एंड्रॉयड ऑटो तथा एप्पल कारप्ले सपोर्ट के साथ नेविगेशन ऑप्शन भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम को मुहैया इस कार में करवाया गया है। और साथ ही साथ इस कार में आपको रिवर्स कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ, लेदर सीट, अपहोल्ड सीट और हैंड अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स को अपडेट इस कार में किया गया है। लॉन्चिंग तथा कीमत की बात करें तो भारतीय बाजार में नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो को 2021 जनवरी तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी इस एसयूवी को सबसे पहले फरवरी में हुए ऑटो एक्सपो 2020 के दौरान हम सभी के लिए शोकेश किया था। कीमत की बात करें तो भारतीय बाजार में नेक्स्ट जनरेशन न्यू स्कॉर्पियो की कीमत अनुमान 8 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए लगाई जा रही है। भारतीय बाजार में इस कार के 8 सीटर वेरिएंट को भी हम सभी के लिए जल्द से जल्द लॉन्च किया जाना है। इस कार की प्री बुकिंग ऑफिशियल वेबसाइट पे स्टार्ट कर दी गई है। अगर दोस्तों आप स्कॉर्पियो के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को अपना बनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाइए, अपना नाम तथा सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट कर दीजिए। तो ये थी आज की दो जबरदस्त कारें जो कि जल्द भारत में आप सभी के लिए ले रही है एंट्री। वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।